हाय, आज हम द आर्टिस्ट शिगा नोया, जो एक जापानीज राइटर हैं, उनके द्वारा लिखी गई स्टोरी को पढ़ेंगे। यह स्टोरी काफ़ी इमोशनल स्टोरी है, यह शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन इसके अंदर में जो राइटर हैं वो यह बताना चाहते हैं कि कैसे बड़े लोग एक रेयर टैलेंट को, एक ऐसा टैलेंट जो साधारण नहीं है, और साधारण टैलेंट को क्रश कर देते हैं। बड़े बड़े लोग क्रश कर देते हैं, इवन फादर क्रश कर देते हैं, टीचर क्रश कर देते हैं, और भी बहुत ओल्ड मैन लोग भी क्रश कर देते हैं। बच्चे की जो रुचि, यह जो स्टोरी है, ये एक सिबेई नाम का जो लड़का है उस पर है, जो 12 साल का है, और वह आज भी प्राइमरी स्कूल में, यानी अभी भी वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा होता है, और उसका इंटरेस्ट जो होता है वह गोल्ड, कद्दू को इकट्ठा करना और उस पर कलाकृति करना। आप वो पिक्चर देख सकते हैं कि कैसे एक कद्दू के ऊपर जो है कलाकृति होती है, तो उसे कलाकृति करना, और वह कद्दू को इकट्ठा करता है और उसके ऊपर जो है होल बनाता है, उसके अंदर से बीज को निकाल देता है, फिर उसमें जो है वह चाय की पत्ती डालता है, और सेक जो है एक पेय पदार्थ है जो जापान के अंदर चावल से बनाई जाती है, फिर उसको कॉर्क ऊपर डालकर, और डालने के बाद तौलिए के अंदर लपेट कर उसको टीन में रख कर, और उसे जो है चारकोल पर, जाड़े के दिनों में जो आग तापने का हम काम करते हैं, उसके ऊपर वह रात भर रख देता है, जिसकी वजह से उस पर नमी आती है, और उसे वह जो है सेक से पॉलिश करता है। सेक यानी वो जो बूंद है उससे भी वह पॉलिश करता है, और फिर जो है उस पर वह कलाकृति करता है। तो इस तरह से जो है वह इस काम में इंग्रॉस्ड रहता है, और उसका जो शहर है, हालांकि वह ऑफिशियल शहर है, लेकिन यह छोटा सा है, सिर्फ 20 मिनट में जो है आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकते हैं, और यह एक हार्बर टाउन है, और यहाँ पे जो सिबेई है वह अक्सर इधर उधर भटकता रहता है, और इस गॉड्स की तलाश में कि कहाँ उसे गॉड्स मिल जाए, और उसे हर दुकान के बारे में, हर गॉड के बारे में उसे जानकारी होती है। इसी तरह एक बार जो है कोने में बैठकर वह पॉलिश कर रहा था एक गॉड के ऊपर, यानी एक कद्दू के ऊपर, तभी उसके पिताजी के दोस्त जो मिलने आए थे, उन्होंने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा कि यह जो बहुत छोटा सा गॉड है, अच्छा गॉड नहीं है, तुम इस गॉड पे पॉलिश कर रहे हो, तुम्हें जो है कुछ असाधारण, एक या दो हो लेकिन असाधारण गॉड्स हो। और उसके बाद जब वह बात करने लगे तो उनके पिता ने कहा कि हमने जो है पिछले स्प्रिंग में, बसंत में, हमने जो गॉड्स देखा था, बेकिंग गॉड्स, वह काफ़ी ही बड़ा था। लेकिन बेकिंग गॉड्स के बारे में सुनते ही सिबेई जो है वह हंसने लगता है, क्योंकि सिबेई भी बेकिंग गॉड को लेकर बहुत उत्सुक रहता है पहले, और वह भी एग्रीकल्चर शो यानी प्रदर्शनी में जाता है, लेकिन जब बेकिंग गॉड को देखता है तो बहुत ही बेढंगा जो कद्दू होता है, और उसे जो है सिबेई को वैसे कद्दू पसंद हैं जो प्लेन हो, राउंड हो, वैसे नहीं जो टेढ़े मेढ़े हो, जो है बिल्कुल जो सिकुड़े हुए हो, ट्विस्टेड हो। इस तरह के गॉड जो हैं वह ज़्यादातर कलेक्टर्स को पसंद हैं, जो उसे जमा करते हैं, संग्राहक कह सकते हैं। उनकी बातों को सुनकर एक बार वैसे ही वह घूम रहा था किसी गली में, तभी उसने एक बूढ़ी औरत को देखा, और देखा कि वह जो है फल बेच रही है, और फल में वह सूखी जो है पीली खजूर बेच रही थी, और खजूर के साथ साथ ऑरेंज, नारंगी और भी फल बेच रही होगी, लेकिन कुछ कद्दू उसने जो है अपने दुकान के पीछे जो है लटका रखे थे। तभी इसकी नज़र पड़ी और यह दौड़ कर जो है वहाँ पे जाता है और उस कद्दू को देखने लगता है। उसे एक कद्दू पसंद आती है और वह बूढ़ी औरत से पूछता है कि यह कितना में आप देंगी। बूढ़ी औरत कहती है, चूँकि तुम बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेन में दे दूँगी। सेन ये जापान की करेंसी है, और एक येन में 100 सेन होता है, जैसे 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो वो सिर्फ 10 सेन में जो है वह खरीद कर लाता है और इस काम में लग जाता है, और इसकी स्कूल के अंदर भी जो है उसे पॉलिश करता है। तभी जो है एथिक्स की क्लास में, नीति शास्त्र की क्लास में, जिसमें मोरालिटी के बारे में, अनुशासन के बारे में बताया जाता है, टीचर की नज़र पड़ती है। टीचर बहुत गुस्सा होते हैं और वह छीन लेते हैं उस कद्दू को, और छीनने के बाद जो है वह दरबान को दे देते हैं, और फिर वह इसके घर आते हैं, और घर आकर इसे काफ़ी डांटते हैं, इसके माँ को बोलते हैं कि आपने बच्चे को कैसे तरबियत आप दे रहे हैं, बच्चे को आप नहीं देख रहे हैं, माँ बाप का ये फ़र्ज होता है कि बच्चों पर ध्यान रखें। तभी फादर आते हैं और फादर गुस्से में जो है जितना कद्दू होता है सबको तोड़ देते हैं, लेकिन सिबेई कुछ नहीं कर पाता है, और वह
कद्दू जिसे टीचर ने उस पोर्टर को दिया था, जब पोर्टर के पास कुछ प्रॉब्लम्स वाले दिन आए तो वह उसे लेकर क्यूरियो शॉप पे पहुंचता है। क्यूरियो शॉप कहते हैं कलाकृति की दुकान जिसमें यूनिक चीज़ें होते हैं। जब वह बेचने जाता है तो जो उसमें डीलर होता है वह कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसके 5 येन दूंगा, लेकिन यह जो ओल्ड मैन है पोर्टर जो है वह तैयार नहीं होता है। फिर वह 10 येन कहता है और लास्ट में जो बात बनती है वह 50 येन पे बात बन जाती है और वह बेच देता है। और यह जो है यह नहीं बताता है यह ना ही शिक्षक को टीचर को बताता है और ना ही CBI को इस बात को बताता है, क्योंकि वह 50 येन जो है इसके एक साल के सैलरी के बराबर था, इसलिए किसी को यह बात नहीं बताता है। लेकिन इतना ही नहीं, वही कद्दू क्यूरियो डीलर जो है कलाकृति वाले दुकान ने किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कहने का अर्थ हुआ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो संग्रह करता है किसी जिले के अंदर जो है वह संग्रह करता है, तो वो जो कलाकृति वाली चीज़ों को जो संग्रह करता है वो 600 येन में खरीदता है। 600 येन, आप सोच ले कितना उसका कीमत जो है, वो सिर्फ मामूली 10 सेन का जो है कद्दू वो 600 येन में बिक रहा है और 1 येन जो है वह 100 सेन के बराबर है। तो यहाँ पर कैसे इस पूरे स्टोरी में हम देख रहे हैं, और उसके बाद जो है या इसका मन हट जाता है कद्दू पे कलाकृति करने को और यह जो है पिक्चर बनाने में फिर से ग्रॉस्ट हो जाता है और फिर इसके फादर जो है इसे डांटना फिर से शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले फादर ने टैलेंट को नहीं पकड़ा, दूसरे नंबर पर जो है टीचर ने भी इसके टैलेंट को नहीं पकड़ा यानी प्रमोट नहीं किया इस चीज़ को, वो खराब समझते हैं इस आर्ट्स को। उसके बाद वह जो ओल्ड पोर्टर है बुढ़ा जो दरबान है उसने भी नहीं पकड़ा, वो भी बताना जरूरी नहीं समझा। फिर वह क्यूरियो डीलर जो है वह भी बताना नहीं समझा। तो ये सारे जितने वयस्क लोग हैं जितने मैच्योर्ड लोग हैं किसी ने भी यह नहीं चाहा कि इस टैलेंट को जो है आगे बढ़ाया जाए, सबने क्रश कर दिया, सबने बर्बाद कर दिया इस रेयर टैलेंट को। तो इस स्टोरी में जो है यह हमने देखा। वैसे आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें आमिर खान जो है उस बच्चे के टैलेंट को पकड़ लेता है और उसे संवारता है। तो एक टीचर का काम है एक बच्चे के टैलेंट को पकड़ के, एक स्टूडेंट के टैलेंट को पकड़ के संवारना, लेकिन यहाँ पर जो टीचर है वह काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं बच्चे के इस एक्टिविटी पे। और भी काफ़ी जो है मूवी वह बनी हुई है, आपने एक और मूवी देखी होगी हिचकी में भी रानी मुखर्जी जो है वह एक टीचर होती है और उसे एक प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है और ऐसे बच्चे होते हैं बहुत उड़न बच्चे होते हैं और उसको वह कैसे हैंडल करती है उस बच्चे को। या आपने एक और फिल्म होगी चौक एंड डस्टर, इसमें भी आपने देखा होगा कि टीचर जो है कैसे बच्चों से उसका कैसा रिलेशन है, बच्चों के फ्यूचर को कैसे टीचर शेप कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम टीचर को देख रहे हैं वह क्रश कर देता है। ओके, तो यह जो है स्टोरी वैसे इंटरेस्टिंग है लेकिन काफ़ी इमोशनल है। ओके,